हे गाइस, आज मैं यहाँ पे बात करूंगा मुंबई के बारे में। मुंबई एक Z5 ओरिजिनल और ऑल्ट बालाजी ओरिजिनल वेब सीरीज है जो कि 6 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और इसके मेन लीड्स में हमें दिखेंगे अंगद बेदी एंड सिकंदर खेर। बात करूं मैं मुंबई के ट्रेलर के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा। जिस तरीके का कंटेंट ऑल्ट बालाजी और Z5 ऐप इस लॉकडाउन में हमें दिखा चुके हैं उसके मुकाबले मुंबई का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है और मुझे इस वेब सीरीज से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। बात करूं मैं मुंबई के स्टोरी लाइन के बारे में तो ये स्टोरी लाइन फॉलो करती है 1990s की कहानी जिसमें दिखाया गया है मुंबई शहर के अंदर अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच हाथापाई में और वहीं पे होते हैं अंगद बेदी जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर होते हैं। अब वो जो रेस्टोरेंट का वेटर है वो कैसे उठ के मुंबई का टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनता है और उसके बाद कैसे वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि सिकंदर खेर के साथ मिलकर मुंबई पर राज करने का षड्यंत्र रचता है। तो अब क्या होगा इस वेब सीरीज के एंड में, क्या अंगद बेदी मुंबई शहर जीत पाएंगे या नहीं, जो उनका पुलिस का इतिहास है और जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, क्या होगा सिकंदर खेर का, क्या यहाँ पे सिकंदर खेर और अंगद बेदी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे या नहीं, ये हमें पता लगेगा 6 नवंबर को जब ये वेब सीरीज रिलीज होगी Z5 ऐप और ऑल्ट बालाजी ऐप के ऊपर। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ नई है, हमें गैंगस्टर और पुलिस ड्रामा हमने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है लेकिन इस बार कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है कि एक सस्पेंस इन्होंने बिल्डअप कर दिया है कि इसमें अंगद बेदी का जो कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप होता है एक वेटर से लेके एक अंडरवर्ल्ड के डॉन तक। तो जो वो उनकी लाइफ स्टोरी दिखाई गई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और बात करूं मैं यहाँ पे परफॉर्मेंसेस की तो यहाँ पर मुझे सिकंदर खेर और अंगद बेदी दोनों की ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही है और साथ ही साथ जो बाकी की भी स्टार कास्ट है उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो जो इसका ट्रेलर है वो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि मुझे ठीक लगा, एक अच्छा वन टाइम वॉच मुझे वेब सीरीज लग रही है जो कि 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है। एकता कपूर ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस वेब सीरीज से नहीं रखूंगा, बट हाँ जिस तरीके का कंटेंट ऑल्ट बालाजी और Z5 आपका पहले आया है उससे काफी अच्छा लग रहा है इसका ट्रेलर।